हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज का जो ये वाला वीडियो है ना, वो बहुत ही बड़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर है गाइस। एंड डेफिनेटली आप लोग ये सुन के ना एकदम शॉक हो जाओगे भाई साहब। मतलब मैंने जब ये न्यूज़ मुझे मिली ना यार, मेरे को एक वेबसाइट से ये न्यूज़ मिली एंड भाई मैं एकदम शॉक हो गया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या पबजी वाले हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो आखिर क्या हुआ है हमारे साथ, क्या किया है पबजी वालों ने हमारे साथ। सो गाइज, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, कहीं पे भी आपको ये वीडियो का कुछ भी हिस्सा मिस नहीं करना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग एंड शॉकिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोजाना लाते रहता हूं। सो गाइज कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कि आखिर क्या किया है पबजी वालों ने हमारे साथ। सो गाइज लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही है यार कि पबजी मोबाइल भारत का यानी कि इंडिया का एक ट्रेंडिंग गेम है, और यार नॉट इन इंडिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इस गेम को खेला जाता है रेगुलरली और रोज़ खेला जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है पबजी मोबाइल। लेकिन दोस्तों पबजी के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों ने ये चीज़ बताया कि उनका गेम 200 कंट्रीज़ में खेला जाता है, और उन 200 कंट्रीज़ में कम से कम 20 मिलियन लोग इनके गेम्स को खेलते हैं। तो डाउनलोड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन डाउनलोड्स के अनुसार नहीं, डाउनलोड्स में इसके करीबन 50 मिलियन है। डेली एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन है, ठीक है। लेकिन यार अभी पबजी का एक और लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिला है, जिसमें पबजी वालों ने ये लिखा है कि हमारा जो डेली एक्टिव यूज़र्स है वो 20 मिलियन से हो गया है 7 मिलियन। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया यार, ये चीज़ तुम लोग भी जानना चाहोगे। और 13 मिलियन कहाँ गए, ये सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर वो 13 मिलियन गए तो गए कहाँ। तो गाइस पबजी का एक लेटेस्ट न्यूज़ हमें यहाँ पे मिला है, जिसका मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट्स में तुम लोग देख रहे होगे कि पबजी वालों ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनका जो 13 मिलियन लोग है, मतलब 13 मिलियंस लोगों को पबजी मोबाइल कर दिया है बैन। क्यों बैन किया है, क्योंकि उन लोगों ने पबजी मोबाइल को चीट किया है, पबजी मोबाइल के साथ चीटिंग किया है। चीटिंग का मतलब हो गया हैकिंग वगैरह यूज़ किया गया है, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किया है ताकि वो पबजी में चिकन डिनर ले सके, ये वो। तो हैकिंग के कारण 13 मिलियन लोगों को पबजी मोबाइल से हटा दिया गया है परमानेंटली, कोई टेम्प्रोरी नहीं यार, परमानेंटली उनको हटा दिया गया है पबजी मोबाइल गेम से। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा लॉस है पबजी मोबाइल के लिए, क्योंकि उनका गेम कहां से कहां आ गया, उन लोगों ने 13 मिलियन लोगों को खो दिया है, क्योंकि वो लोग गेम को चीट कर रहे थे और हैकिंग वगैरह यूज़ कर रहे थे। तुम लोगों ने भी बहुत बार गेम खेलते हुए समय काफ़ी सारे हैकर्स को फेस किया होगा। तो यार बिल्कुल आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में यार बताना कि आप लोग में से कौन कौन हैकर्स को फेस किया है और किस तरह वो लोग आपको ट्रीट किए, मतलब हैकर आपको कैसा ट्रीट किए हैं, तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि थोड़ा हमें भी मालूम चले कि आखिर हैकर किस तरह के ट्रिक्स यूज़ करते हैं। नाउ गाइज मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो, जिसमें पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली ये कन्फर्म किया है कि हमने 13 मिलियन लोगों को हटा दिया है पबजी मोबाइल से, क्योंकि वो लोग चीट किए हैं पबजी मोबाइल को। अब मैं एक और तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक ग्राफ मैं दिखाऊंगा, उस ग्राफ में पबजी मोबाइल ने ये चीज़ दिखाया है हम सभी को कि वो रेगुलर हर हफ्ते कितने लोगों को बैन करते हैं, क्यों बैन करते हैं सारे चीज़। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख लो, तो इसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि सडनली एक लाइन बहुत ही जल्दी ऊपर गया, मतलब इन लोगों ने हैशटैग जो 40 तुमको दिख रहा है नीचे, 40 और 50 ये वीक के अंदर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैन किया है। ये जो 40 और 50 और 10 30 ये सब जो तुमको नीचे नंबर्स दिख रहे हैं वो वीक है, यानी कि हफ्ते, तो 40वें और 50वें हफ्ते के बीच में इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को बैन किया है। एंड गाइस पबजी इज़ इन ह्यूज
ट्रबल में यार गेम। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है जिस कदर का ये गेम है, जिस तरह का ये पॉपुलैरिटी हासिल किया है, बहुत जल्दी ये गेम वापस से कम बैक करेगा और टॉप 4 और टॉप 5 या हो सकता है टॉप 1 में भी आ जाए, तो ये बहुत जल्दी कम बैक कर सकता है। एंड गाइज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार, तुम लोग भी शौक में देखो यार, आज तक कोई भी गेम इतने लोगों को एक साथ बैन नहीं किया है। एंड ये लिस्ट तुम कहीं भी जाके सर्च कर लो गूगल या कहीं पर भी, तुम लोगों को ये न्यूज़ मिल जाएगी। एंड पबजी मोबाइल ऑफिशियली ये नहीं बता रहा है किसी को, लेकिन उन लोगों ने अपने वेबसाइट में ये चीज़ डाला है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इसके बारे में ना अपने YouTube चैनल ना अपने Facebook पेज कहीं पे भी नहीं बताया, कोई भी अपने सोशल मीडिया हैंडल में नहीं बताया है। देखो यार आने वाले टाइम में वो लोग सारी चीज़ कन्फर्मेशन कर देंगे। सो होप यू गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि इतने लोगों को PUBG मोबाइल ने यानी कि ब्लू होल कंपनी ने या जो भी यार PUBG कॉरपोरेशन, उन लोगों ने बैन किया है 13 मिलियन लोगों को। होप यू गाइस कि आप सभी ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो गए होगे और हैरान हो गए होगे। अपनी अपनी राय ज़रूर देना हमें अपने कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और हाँ वीडियो को शेयर मारो यार, ताकि आप लोगों के जितने आसपास लोग PUBG खेलते हैं उनको भी ये चीज़ मालूम चले कि यार इतने लोग PUBG से बैन हो गए। एंड गाइज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हैं तो फेयर खेले, कोई भी तरह के हैकिंग ट्रिक्स यूज़ नहीं करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि PUBG यहाँ पे 14 दिन और 10 दिन की बैन नहीं मारता है जैसे COC में हम लोगों को मिलता था कि पहले हम लोगों को 24 आवर्स, फिर 14 डेज, फिर मंथ, ऐसा नहीं। वो आपको एक बार बैन करेगा और बहुत धांसू बैन करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अगर कोई हैकिंग ट्रिक्स यूज़ करते या कुछ सोच रहे जो हैक करने का, तो भाई साहब बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है इन 13 मिलियन के लिस्ट में आप भी आ जाओ। और बहुत सारे लोग बैन हुए भी होंगे, तो अगर आप में से कोई भी बैन हुआ है ना यार PUBG मोबाइल से, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो शेयर मार देना यार सारे लोग। चलो यार अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम। एंड गाइज बी सेफ, ओके बाय गाइज़।